सर ये बताओ, आवाज़ जो बिल्कुल सही आ रही है। साउंड की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलो। सभी को आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट भेजते हो और ऑनलाइन तो आते नहीं हो कभी, हाँ आज कर लिया है हमने, ठीक है, दोबारा हम नहीं करेंगे भाई, बता दे रहा हूँ। अभी तक एक कोई है अमन कुमार, हाँ अभी नहीं आया ऑनलाइन, और वो एक लड़की भेजी थी, क्या नाम उसका था, सिप्रा, वो भी नहीं दिख रही अभी। वैशाली का, हाँ आज आता पता लगा हुआ है, आज है। पता नहीं कहाँ हो रहते हो सभी लोग, कुछ भरोसा नहीं रहता है। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 10, यानी उदाहरण नंबर 10 है, वो रह गया था उदाहरण में, बाकी तो सब हो गए थे कि नहीं, सभी हो गए थे वह। ठीक, दसवां जो है कोई उदाहरण नंबर नोट कीजिए, फिर उसके आगे जो है एक्सरसाइज कराई जाए। चलो नोट करो। ठीक है, नोट हो गया ना। चलिए देखिए, ये बताओ सभी को सही से दिख रहा है और आवाज़ को दिक्कत तो नहीं, कि सुबह जो थे नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए कुछ क्लास जो है नहीं हो पाई थी, शायद केमिस्ट्री की नहीं हो पाई आज। बताओ सही आ रही है ना। ठीक, चलिए। देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी डी दिए हुए हैं और उनके निर्देशांक दिए हैं, कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो। अब क्रम दे दिया इसने, इसी क्रम का मतलब है जो समांतर चतुर्भुज बनाना, तो ए बी सी डी सीरियल से लिखना, ऐसा नहीं कि ए यहाँ बी यहाँ लिख दिए सी यहाँ डी यहाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी डी के शीर्ष है तो पी का मान निकालना है भाई, समांतर चतुर्भुज है तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लें सभी उच्च। चलिए समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज हम बना लेंगे, और सभी को ये पता है कि समांतर चतुर्भुज में उसकी भुजाएं जो होती है, आमने सामने की भुजाएं भैया क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। सभी को पता है कि नहीं, ए बी सी डी सीरियल से रखना है। ए के निशान जो हो गए हमारे क्या होंगे, 6.1, बी के हो जाएंगे हमारे 8.2, और सी के हो जाएंगे 9.4, और डी के क्या हो जाएंगे हमारे, P.3। ठीक है, तो पी का मान निकालना है, समझ रहा है। ठीक, कंडीशन सभी को पता है समांतर चतुर्भुज की, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना, सभी को पता है। और इनके विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे, क्या करते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं भैया। मतलब ये विकर्ण एक एसी हो गया और ये हो गया एसी। अगर इसका ये पी बिंदु है, मान लीजिए पी बिंदु हो जाएगा, तो इनको जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समझ आ रहा है। यानी ये अगर एसी की बात करें तो पी जो बिंदु हो जाएगा, इसका एसी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, और अगर बी डी विकर्ण की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, पी मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हुए ना, दो भागों में बांट देते हैं, यानी एपी और पीसी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो चलिए देखिए,
अगर हम विकर्ण एसी की बात करें तो उसका भी पी बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है, और विकर्ण बीडी की बात करें उसका भी बिंदु पी क्या है हमारा, मध्य बिंदु ही है, ठीक है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को क्या कर लेंगे हम, बराबर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक। पहले तो एक नोट कर लेना कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, ये पता है ना सभी को, ए बी सी डी जो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं कि वी नो डेट, कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हिंदी लिख दो, इंग्लिश ना पढ़ो ज्यादा, हिंदी लिख लो, ठीक है। चलिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लिख लीजिए, लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। ये भाषा जो है सभी बच्चे लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए जो P बिंदु है, ये P जो बिंदु है ये किसका है, AC का क्या है, मध्य बिंदु, यानी P जो है विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भैया, मध्य बिंदु यानी AC, विकर्ण AC, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये किसके बराबर होंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक इसके बराबर होंगे कि नहीं, ठीक। अब इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक सभी को पता है फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है ना। तो x1, अब देखो जब AC की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, जब AC की बात करें, ठीक। तो AC का जो मध्य बिंदु हो जाएगा उसको निकालिए भाई, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा हमारा, x1 प्लस x2, तो x1 हो जाएगा हमारा 6 प्लस x2 हो जाएगा 9 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 मतलब 1 प्लस 4 बटा 2, ठीक। ऐसे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, विकर्ण BD की जब हम बात करें तो ये इसमें ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2, x1 कितना है 8 प्लस x2 कितना है हमारा p है बटा 2 कामा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 3 बटा 2, ये हो जाएगा। इसको हल करें आगे तो ये 15 बटा 2 आ जाएगा कामा 5 बटा 2 आ जाएगा बराबर ये 8 प्लस पी बटा 2 होगा माइनस 5 बटा 2 होगा, ठीक है। पी का मान निकालना, अब ये एक्स एक्स वाला टर्म आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये वाई वाई वाला तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको इसको क्या कर देंगे, बराबर करेंगे, यानी 15 बटा 2 बराबर 8 प्लस पी बटा 2। अब ये 2 2 कट जाएगा ना, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 8 प्लस पी, 8 को इधर लिया 15 माइनस 8 बराबर पी, ये मतलब पी बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी पी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। लगा लीजिए, लगा लीजिए यहाँ पे भाषा लिखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। भाषा जरूर लिख लेना, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया सभी का, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है इतने, ठीक है, पेपर में इस टाइप के नहीं आते क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होता है विभाजन वाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है कभी कभी, लेकिन संरेख बहुत ही जरूरी है, ये जरूर आता है। चलिए भाई, नोट हो गया सभी का, चलिए ठीक।
तो उदाहरण तो हो गए सभी के। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो, सभी बच्चे नोट करें पहला क्वेश्चन। लास्ट उदाहरण था इसलिए बता दिया, इसको जो है नोट कर लो सभी बच्चे। और अब क्वेश्चन नंबर वन जो है उसको नोट कीजिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है सभी बच्चे नोट करेंगे, हम बिंदु सिर्फ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ए के निर्देशांक है -1.7 और बी के जो निर्देशांक है वो क्या है हमारे 4.-3। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात जो दिया हुआ है वो हमारा 2:3 है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो जाए तो बता देना। फिर एक गायब हो गया, एक अटेंडेंस लगाने ही आते हैं क्या सब? ठीक, तो हमने ये बताया था कि जब कोई रेखाखंड होगा उसको मिलाने वाले मतलब रेखाखंड को जो बिंदु दिए हुए हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है कि जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुपात दिया है और ये नहीं कह रहा कि आंतरिक कर रहा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है। तो हमने बताया था कि जब ये ना दिया हो तो हमेशा अंतः विभाजन ही लगाना। ठीक, अंतः विभाजन ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर रहा है, ये रेखाखंड है तो उस बिंदु के मान लीजिए ये रेखाखंड हमारा ए बी हो गया। ठीक है, इसके निशांग हो गए -1.7, तो इसके निशांग हो गए 4.-3। तो कोई बिंदु मान लो यहाँ पर P है, उसके निर्देशांक है x, y। अब इस P बिंदु के निशांक ज्ञात करना है क्योंकि तो इस रेखा कुंड को जो है ये बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, यानी m1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक m2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः विभाजन जो है फार्मूला लगा दोगे सभी लोग। चलिए, उसमें जब अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन ना गए तो हमेशा अंतः ही लगाना। ठीक, चलो भाई यहाँ पे लिख लो, x1 हो गया हमारा -1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा हमारा 4, y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, m1 कितना हो जाएगा हमारा 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3, इतना हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना वह बिंदु जो होगा P के निर्देशांक, यहाँ पे लिख लेना माना वह बिंदु क्या है पी है। ठीक है, तो पी के निशांक जो हो जाएंगे x, y बराबर क्या होगा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। यही होता है ना फार्मूला, सभी को याद है कि नहीं? सभी बच्चों को याद है? ठीक, समझे? चलिए फिर इसके आगे, फिर क्या हो गया m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ठीक है, ये चित्र अगर बना लेना, समझने के लिए हमने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंतः बाय कहीं नहीं रहा है तो हमने अंतः दिखा दिया है बस। ठीक है, अंतः से ही लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो px, y के मान, चलो यहाँ मान रखना शुरू करो, m1 हो जाएगा हमारा 2 गुणा x2 कितना हो जाएगा भैया, x2 जो है हमारा 4 है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये 4 हो गया प्लस m2 हो गया 3 गुणा x1 हो जाएगा -1, माइनस वाली संख्या ब्रैकेट में रखना हमेशा, m1 हो जाएगा 2 प्लस m2 हो जाएगा 3। ठीक, कामा इधर मान रखिए m1 हो गया हमारा 2 गुणा y2 हो जाएगा 3 -3 है। ठीक है, प्लस m2 हो जाएगा 3 गुणा y1 कितना है 7/2 + 3। अब इसको हल कर लीजिए, इसकी गुणा कराओगे 8 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, कामा -6 हो जाएगा, बताओ कौन क्या निर्देशांक आ गए भाई, -6 हो जाएगा +7 = 21/5 हो जाएगा, निर्देशांक बताओ कितने आ गए, 8 से 3 = 5/5, कामा यहाँ पे क्या बचेगा 15 = 21, यानी 15/5, इसको काट दोगे तो 1 बचेगा, इसको काटोगे 3 बचेगा, यानी निर्देशांक क्या आ जाएंगे, उस जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे px, y बराबर मतलब क्या हो जाएगा 1.3 आ जाएगा, यानी उस बिंदु के जो निर्देशांक हो गए
जो उस बिंदु को, जो रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसके निशान क्या हो जाएंगे? 1,3। समझे? कर लोगे सभी बच्चे? बताइए। सभी का लग जाएगा? लग गया सभी का? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। तुम लोगों से ज्यादा स्पीड कक्षा 9 वालों की है। कक्षा 9 में बच्चे बहुत स्पीड से टाइपिंग करते हैं, और तुम लोग टाइपिंग करते नहीं हो कि या आता नहीं है, टाइपिंग करना नहीं आता होगा, कुछ तो कारण होगा भाई। ठीक, अगर मुंह से बाहर निकले उसका जवाब तुरंत दे देते हैं वो बच्चे सब। चलिए भाई, नोट हो गया सभी का? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नोट करो। सब बच्चे लगा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और क्या दिया हुआ है, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान बताना है। कल ही क्वेश्चन बताया था हमने, बताया था सभी को, पता हुआ है? समत्रिभाजित करने वाले मतलब रेखाखंड को समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी हमको, 4 कि 10? देखे क्या आया। अच्छा, दो। दो पड़ जाएगी। ठीक, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन नोट करो। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक रेखाखंड है, उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट करो। हम रेखाखंड बना दे रहे हैं भाई, ठीक है, और निर्देशांक लिख दे रहे हैं, यानी ए है, इसके निर्देशांक लिखे हुए हैं 4, -1, और ये इधर हो गया बी हमारा, और इसके निर्देशांक क्या हो गया? -2, -3। ठीक है, यानी इस रेखाखंड को क्या करना है, समत्रिभाजित करने के लिए हमको कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी भैया? 2। कितने बिंदु होने चाहिए? 2। यानी किसी रेखाखंड को अगर 3 भागों में बांटना है, समत्रिभाजित का मतलब सम माने बताया था बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने भागों में बांट देना, समझ में आ रहा है? यानी 3 भागों में बांटने के लिए हमको जो पड़ेगी कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी भाई? 2 बिंदुओं की पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा, 4 भागों में बांटना है, तो उसके जो 4 भागों में रेखाखंड को बांट रहे हैं उसके निशान निकालना है भाई। अभी आ रहा है क्वेश्चन 7.2 में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 9। हाँ, 4 बराबर भागों में बांट रहा है, समझे कि नहीं? चलिए, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होती है। तो इसको बांटने के लिए, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु होंगे? 2 होने चाहिए। एक बिंदु ये पी हो गया, एक क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक, तभी तो 3 भाग हो जाएंगे भाई, एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, अब इन बिंदुओं के क्या निकालना है हमको? निर्देशांक निकालना है। तो इनके निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे x3, y3 मान लो इसके, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे, x3 y3 इसके क्या मान लो? x4 y4। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। ठीक, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या करना है? अच्छा, ये भी देखो, ये जो दोनों बिंदु जो हैं, इस रेखाखंड को कैसे विभाजित कर रहे हैं, अंतः विभाजित कर रहे हैं कि नहीं? अंदर ही तो कर रहे हैं ना रेखाखंड को। ठीक है, तो मतलब इसमें अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पे, लेकिन उसके लिए तो हमका चाहिए भैया अनुपात। क्या चाहिए? अनुपात। तो हम अनुपात तो निकाल सकते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाए, क्यू से कोई मतलब नहीं, चलो इसको मिटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, पहले तो लिख लो, ये मतलब एक एक भाग में मान लेना, ये यहाँ से यहाँ तक का एक भाग हो जाएगा, ये एक भाग हो जाएगा, ये एक भाग हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हम क्यू को मिटा दे रहे हैं। जब हम क्यू को मिटा देंगे तो देखो कुछ दिख रहा है, पी बिंदु तो बचा हमारे पास, क्या बचा भैया? पी बिंदु बचा है कि नहीं? अब यहाँ से यहाँ, ये भी तो अंतः विभाजन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का होगा M1, और यहाँ से यहाँ तक की जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? M2 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम M1 की अगर हम बात कर लें तो M1 कितना हो जाएगा? 1, और अगर हम M2 की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया? एक ये जोड़ दो कितना हो जाएगा? 2, 2 हो जाएगा।
ठीक। ऐसे ही जब हम क्यू की बात करेंगे, ये तो एम वाला हो, समझ में आ गया ना सभी को? ठीक, अगर हम ऐसे क्यू की बात करें तो क्यू निर्देशांक दिया होगा यहाँ पे हमारा, उसके जो निर्देशांक होंगे, जो क्यू बिंदु होगा इसके निशान x, x, x4, y4। ठीक है, अब इसके जो निर्देशांक निकालने हैं तो वो भी अंतर विभाजन कर रहा है। इसको हम अगर हम पी को मिटा दें, पी को मिटा दें, अब देखिए ये भी तो अंतर विभाजन कर रहा है ना रेखाखंड को अंदर ही, तो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या हो जाएगा, ये एम वन हो जाएगा हमारा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एम टू हो जाएगा। तो अब एम वन जो क्यू के अगर हम देख रहे हैं तो उस अनुपात में एम वन जो होगा हमारा कितना होगा, एक और एक कितना हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा, और एम टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यानी दोनों अंतर विभाजित कर रहे हैं, एम वन एम टू भी हमको पता हो गया, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो सब पता ही है, तो हम पी और क्यू के निशान निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत है बताइए भाई, इतना समझ में आया सभी को? ठीक, बताओ बताओ जल्दी से बताइए, कर लोगे? इतना हो जाएगा भाई? ठीक, हाँ सभी को समझ आ गया। चाहे चार भागों की बात करें तब भी सेम प्रोसेस, क्योंकि वो जो भाग करेंगे रेखाखंड को अंतर ही विभाजित करेंगे, अंदर ही, समझ आ रहा है? तो बस उसके लिए हमको अनुपात निकाल लो, अनुपात पता हो जाए, x1 y1 x2 ये तो सब निर्देशांक पता ही है हमको। ठीक है, अनुपात अगर हमको पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए एक एक का निकालिए भाई। पहले तो यहाँ पे लिख लो कि पी जो है ए बी रेखाखंड को अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो ना, ये तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई। क्या लिख लोगे कि पहले तो लिख लेना, अब सम त्रिभाजित करने का मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हमने एक एक की दूरियां यहाँ पे मान ली, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखोगे कि पी जो है रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से, यानी क्या लिखोगे भाई साहब, पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है भैया? पी का अनुपात क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मतलब तो एक हो जाएगा, एक अनुपात दो, यही तो हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा ना। पी की बात कर रहे हैं, क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एक अनुपात दो के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है, करता है। तो पी के निर्देशांक यानी विभाजन बिंदु क्या हो गया हमारा, पी, पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, फार्मूला लगा दो क्या है, एक्स थ्री, अच्छा पहले ये लिख लो यहाँ पे, एक्स वन वाई वन कितना है हमारा, एक्स वन कितना है चार है, और वाई वन कितना है माइनस एक, एक्स टू हो गया हमारा माइनस दो, और वाई टू कितना हो जाएगा माइनस तीन। ठीक, एम वन कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, पी की बात कर रहे हैं जब, और एम टू हमारा कितना हो जाएगा भैया, एक एक दो हो जाएगा। ठीक, अब निकाल लीजिए पी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे, अंतर विभाजन लगा दीजिए, क्या होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, साथ में लगाइए सभी बच्चे, एम वन प्लस एम टू कामा क्या हो जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, इतना हो गया। चलिए मान रख दीजिए यहाँ पे, एक मान रख दो भाई, मान जब रखोगे एम वन बराबर कितना है हमारा, एक है, गुणा एक्स टू कितना है हमारा, दो माइनस दो है ना, माइनस वाई संख्या बार बार कह रहे हैं ब्रैकेट में रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। एम टू कितना होगा भैया, दो हो जाएगा, गुणा एक्स वन कितना हो जाएगा हमारा, चार हो जाएगा, बटा एम वन प्लस एम टू मतलब एक प्लस दो हो जाएगा। ठीक, कामा एम वन, एम वन कितना है हमारा, एक है, गुणा वाई टू, वाई टू कितना है हमारा माइनस तीन है प्लस एम टू, एम टू कितना है दो है, गुणा वाई वन, वाई वन भी कितना है माइनस एक है, बटा कितना हो जाएगा एम वन प्लस एम टू मतलब एक प्लस दो। ठीक है, चलिए आगे हल कर लीजिए, हो जाएगा माइनस टू प्लस चार और दो की गुणा करोगे आठ होगा, बटा तीन, कामा माइनस तीन हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा, बटा तीन हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे जो निर्देशांक आ जाएंगे ये हो जाएगा हमारा आठ से दो गया छः बटा तीन हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा माइनस पाँच बटा तीन हो जाएगा, जो इसको काटेंगे कितना बचेगा भैया, दो बचेगा, तो हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे, इधर लिख दे रहे हैं, यानी पी के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हमारे कितने आ जाएंगे, दो कामा माइनस पाँच बटा तीन आ जाएंगे, यानी एक बिंदु के तो निर्देशांक हमारे आ गए, इतने सभी का आ गया, इतने निर्देशांक जो है पी के सभी के आ गए, बताइए दो कामा माइनस पाँच बटा तीन, इतना आया सभी का, आ गया नहीं लगाया वो भी आ गया ना,
समझे। अब चलिए इधर, अब वैसे ही बिल्कुल क्यू क्यू बिंद के निकालना है हमको, क्यू के निशान निकालना है, तो क्यू के निशान के लिए वही प्रोसेस, भाषा ये बिल्कुल लिख लेना, ठीक है। ठीक है, तो हम क्यू के निशान लिख दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स वन बराबर हो जाएगा हमारा 4, वाई वन कितना हो जाएगा हमारा -1, एक्स टू हो जाएगा हमारा -2, और वाई टू कितना हो जाएगा भैया -3 हो जाएगा। अब क्यू की अगर हम बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, क्यू की बात करें यहाँ से यहाँ तक अमाउंट होगा ना, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना कि PQ जो है रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से कितने अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अतः Q बिंदु के निर्देशांक। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, यानी Q के जो निर्देशांक निकलेंगे x4, y4 कितना हो जाएगा भैया, आंतरिक विभाजन कर रहा है, अंतर विभाजन फार्मूला लगा दो, M1 X2 प्लस M2 X1 अपान क्या हो गया M1 प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इतना हो गया। चलिए मान रखिए M1 है हमारा 2 है, गुणा X2 कितना हो गया भैया -2 है, प्लस M2 है 1, गुणा X1 कितना हो गया 4 हो गया, मटा M1 प्लस M2 मतलब को कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक, X2 कितना था -2 था, सही से लिख लिया हम 2। ठीक, कामा इधर लिखिए मान M1 कितना है हमारा 1 है, गुणा Y2 है हमारा -3 प्लस M2 है हमारा, नहीं नहीं M1 कितना है 2 है भाई, M1 कितना है यहाँ पे 2 रखिए। ठीक, M2 कितना है 1 है, गुणा Y1 कितना है हमारा -1 है, इधर दिख रहा है सभी को यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना है -1 बटा। ठीक दिख रहा है, ठीक चलिए M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1 इतना हो गया सभी का। ठीक है, चलिए आगे हल कर लो, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा कामा -6 -1/3 इतना हो जाएगा, इतना आ रहा है सभी का, बताओ भाई इतना जो है सभी का आ रहा है। अब देखो ये तो प्लस माइनस कर जाएंगे, 0/3 हो जाएगा, कामा कितना हो जाएगा -7/3, तो जो निर्देशांक आ जाएंगे क्यू के जो निर्देशांक आ जाएंगे भैया कितने आ जाएंगे हमारे 0, -7/3 आ जाएगा। ठीक, पी के निर्देशांक उधर आ गए, ये हमारे कितने आ गए 2, -5/3, और क्यू के जो निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे 0, -7/3 इतना आ गया सभी का। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत, बताओ भाई टाइपिंग ही नहीं कर पाते। अच्छा तो ठीक, टाइपिंग करना सीखो भाई, इतना बहुत कम आएगी आगे, तो कंपटीशन करोगे ना तो, ठीक है, तो आगे टाइपिंग बहुत मांगी जाती है। चलो भाई ठीक है, इतना हो गया नोट करने से बच्चे, अगर यहीं पे होता कि 4 भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु की आवश्यकता हो जाती, पी क्यू आर, फिर आर के हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, बस ये देखना है कि उसका अनुपात कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, बस अनुपात मेन चीज ये सही करना, बस M1 क्या है M2 क्या है, बस बाकी सो अंतर विभाजन का ही फार्मूला लगाना है। सभी बच्चे लगा ले, नोट कर ले, नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया सभी का, चलो ठीक है, और नोट करने के बाद काम तो भेजते नहीं हो, होमवर्क भी भेजा करो ग्रुप पे और फेयर पे लगाओ है, ठीक है, क्योंकि जब भी कभी भी स्कूल खुलेंगे, जब भी खुलें तो चेक जरूर होगी फेयर कहाँ पे, इतना याद रखना भाई।
ठीक। लगा लोगे ना? ठीक है, तो तब तक आज बस इतना ही रखिए, फिर इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लगवाए जाएंगे भाई। ठीक है, और इतना जो है होमवर्क करना है सर, स्कूल कब खुलें ये तो हमको भी पता नहीं है कि कब खुलें, फिर जब भी खुलेंगे नोटिस आ जाएगी तो आ जाना भाई। ठीक है, तब तक के लिए बैग एक सब तैयार कर लो। अब कब खुलें तो जब नोटिस आएगी तो तुरंत बता दिया जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक, जब भी उत्तर प्रदेश सरकार कह दे। ठीक है, इतना क्वेश्चन कीजिए भाई और ग्रुप पर सेंड करो। धन्यवाद।